हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जय माता दी, माता रानी की जय हो और सभी लोग अच्छा रहे, खुश रहे, सब पूरा परिवार मेरा स्वस्थ रहे। तो चलिए, बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। तो आज माता रानी का तीसरा दिन है, तीसरा नवरात्रन है, तो तीसरा व्रत पूजा। तो तीसरे दिन की कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, कल जो दिया था वो परसों का था, तो कल नहीं किया था, तो आज कर रही हूँ। आज है सैटरडे, तो सैटरडे का टाइम हो रहा है अभी 9:15। तो 9:15 में मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं माता रानी को दिखाती हूँ आपको, और अभी माता रानी का सारा साफ सफाई करना है, सब कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस तरह हो रखा है भगवान जी। तो अभी मैं पहले दीपक को सही करूँ, उसके बाद मैं सारा साफ सफाई करके फिर पूजा करूँगी। और सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो पहले ये सब साफ कर लेती हूँ। और मैं पहले दिन का ये सब सामान साफ करके उसके बाद पूजा करूँगी। तो माला वाला सब निकाल देती हूँ भगवान जी का, ये कल का है। तो ये सब भगवान के सामने सारा जो भी है वो सब साफ करके तभी पूजा करूँगी। तो चलो पहले साफ़ कर लेते हैं। पानी वानी सब लाके बर्तन वर्तन सब रख दिया है साइड में, तो पहले मंदिर जगह साफ़ करके उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और ये दीपक को भी थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि ये कल से जल रहा है। तो ये इस तरह से ये वाला पिन पकड़ के, और मैं ऐसे धीरे धीरे किनारे किनारे ना साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ रहता है इस तरह से दिया मेरा। तो ये मेरा अखंड दिया है, तो अब मैं भगवान को स्नान करा दिया। तो अब मैं हल्दी और कुमकुम का, मतलब हल्दी लगा के उसके बाद तिलक करती हूँ, उसके बाद सिंदूर लगाती हूँ, और यही पूजा, मतलब ऐसी पूजा मैं करती हूँ। तो ये पूजा करके तभी सब कुछ करूँ, खाऊँगी पीऊँगी। तो पहले पूजा कर लेती हूँ, और यहाँ पे जो मेरा धुआँ सा निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो है मेरा ओपला, जिसको गोबर का मतलब बंगाली में बोलते हैं घुटे, गोबर डाल के जो सूखा के घुटे होता है वो ओपला, ओपला बोलते हैं, कंडा बोलते हैं। तो वही मैंने गैस पे जला के तो इसमें रख दिया। तो इसमें थोड़ा सा हवन सामग्री, लौंग वोंग सब डाल के फिर आहुति कर दूँगी, तो इनकी बत्ती करेंगे। तो लाइट जला रही थी, नहीं जल रहा था क्योंकि लाइट नहीं है, तो अभी इसलिए। तो अभी मैं भगवान को, सभी भगवान को फूल देके, एक लाल वाला फूल हुआ है तो वही माँ को दे देती हूँ। तो क्योंकि लाल होता है तो माँ काली को दो अच्छा रहता है, तो वही दे देती हूँ। तो जो भी हुआ है दे देती हूँ भगवान को, उसी में भगवान खुश रहना, पूरी परिवार को अच्छा रखना और सबको अच्छा रखना। पूरी परिवार मतलब मेरा YouTube का जितने भी परिवार है, और यही सब मेरा पूरा परिवार है। तो चलिए, पूरे परिवार अच्छा रहे। तो अब मैं आरती करूँगी, और मैंने आरती का मन मन में आरती मैं गा रही हूँ, मन मन में नहीं, तेज तेज ही बोल रही हूँ। तो उस समय का वॉइस मैंने काट दिया, और फ़ोन चल रहा है वो भी आरती का, और मैं भी आरती गा रही हूँ। और अभी आरती करूँगी, आरती करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है आरती करने में। तो आरती करूँगी, और माँ का यही है सुबह शाम का आरती। और माँ को कुछ भी भोग लगाओ, कुछ भी दो, कोई माँ का वो नहीं है कि ये मतलब ये वो, माँ को बस बतासा और मिश्री दे दो, वही माँ का भोग है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, और बेटी को लेने जाएंगे हस्बैंड स्कूल से। तो अभी ना माँ को मैं पूजा के बाद माँ को जैसे सेंट होता है ना वो देती हूँ, पूजा करके, मतलब फूलों में थोड़ा सा भगवान को देना चाहिए, माता रानी को देना चाहिए, तो मैं वही देती हूँ। और इसमें मैंने सारे आहुति डाल के सब कुछ डाल के रख दिया, माँ के आगे दिखा के फिर रख दूँगी साइड में। तो पूजा तो मेरा हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो चलिए आप भी आरती ले लीजिए, और ये मैंने ये संग बजाऊंगी, और ये जो मैं लाई हूँ ना कलकत्ता से लेके आई थी, जो झाज बोलते हैं
वो मुझे अच्छा लगता है बजाना, तो वो लेके आई थी, संग बजा दिया। तो अब आरती दूंगी, सब लोग आरती ले लो और माता रानी का जयकारा लगाओ, जय माता दी। तो ये देखो गेट वेट बिल्कुल पैक कर दिया, फिर भी थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकता है क्योंकि इतना आवाज़ आ ही जाता है, क्या करूँ मैं, बहुत आवाज़ आती है। तो मेरा पूजा तो हो गया है, देखो पूजा तो हो गया, सब कुछ हो गया और मैंने माता रानी का आरती लगा रखा है हस्बैंड के फ़ोन से। तो बस यही कर रही हूँ अभी, और अभी पूजा हो गया है तो मैंने कहा अभी बेटी को लेने गए हस्बैंड, क्योंकि अभी बेटी का पेपर चल रहा है। तो मैं पूजा करके सब कुछ, मतलब बेटा को सब कुछ दे के, मॉर्निंग का खाना लंच वंच बना के रख दिया और सब दे के सब कुछ ऑलमोस्ट, मतलब सबको करके दिया, क्योंकि ना फिर पूजा करो जल्दी जल्दी, उनको दो उनको दो, मुझसे नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने पूजा कर लिया और आज थर्ड का, मतलब तीसरा नवरात्रि है थर्ड वाला, क्योंकि कल दूसरा था और कल जो मेरा ब्लॉग गया था वो फर्स्ट नवरात्रि का था, परसों का। तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कल तबीयत मेरा ठीक नहीं था, आज है अभी पर कल बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं दिया था। तो चलिए अभी बनाऊंगी चाय और अभी चाय पीऊँगी। और मैंने 9 दिन का व्रत नहीं रखा, तबीयत की वजह से नहीं रखा, बेटा ने बच्चों ने रखना ही नहीं दिया मेरे को। तो ऐसे मॉर्निंग में डेली मैं पूजा करके फिर खा लेती हूँ, बस प्याज लहसुन बाहर का चीज़ नहीं खाऊंगी, बाकी खा लेती हूँ खाना वाना। और फर्स्ट दिन मैंने व्रत रखा था और लास्ट दिन रखूँगी, उसके बाद फिर पूजा हो जाएगा। तो चलिए चाय बनाते, सबसे पहले चाय पीऊँगी क्योंकि, और माता रानी का गाना भजन भी चलता रहेगा, आरती तो हो गई, अब माता रानी का गाना सुनती रहूँगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चाय बनाते हैं। और ये रही चाय और बन, फेवरेट मेरा चीज़, तो मैं अभी इससे खा लूँगी। तो पहले चाय पी लेती हूँ, चाय पी के उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि बेटी आ गई, उसको भी लंच दे दिया, हस्बैंड को भी दे दिया, अब मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा चाय का एंजॉय लेके उसके बाद मिलती हूँ, मतलब थोड़ा सा सबका कमेंट पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से अभी किसी का कमेंट नहीं पढ़ा, किसी की कुछ देखा नहीं, ये सब करके तब मैं आऊँगी आपके सामने। छत पे आई हूँ मैं कपड़ा डालने, और इतना धूप है, फटाफट कपड़ा डाल रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो फटाफट कपड़ा डाल लेती हूँ, और कपड़े भी मेरा तो बहुत ही हो जाता है। तो चलिए कपड़ा डाल के फिर नीचे जाऊँगी, नीचे जाके थोड़ा सा बैठूँगी। तो ये है आज के लंच, पनीर की सब्जी और ये मिक्स दाल खीरा चावल। तो चलो खा लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। तो मैं तब खाना खाई थी, खाना खा के उसके बाद सबके घर दोबारा घूम के आई, जिसने नया वीडियो डाला, जिसने नया है सबको देख के आई, जिसका मुझे देखा कि हाँ पहली बार आए हैं उनका घर गई, उनको तोहफा दिया और दे के भी आ गई, है ना, देना ही चाहिए। पहली बार अगर किसी के घर जाओ तो खाली हाथ तो लेके नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तोहफा तो चाहिए, चाहे मिठाई हो, फल हो, फ्रूट हो। तो मैंने थोड़ा सा गुलाब का फूल दे दिया सबको जो नया है। तो चलिए ना, और जो नया देखोगे तो समझ ही जाओगे कौन सी गुलाब का दिया है, है ना। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड कर देते, फिर मिलूंगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल देते रहना मेरे तरह। तो चलिए जय माता दी।